हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार सीड पिंक। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड हार्ट चक्रा, ये दोनों चक्रा अगर आपकी ओपनिंग हो गई है, हील हो चुकी है, तो आपको क्या साइलेंट सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा ओपन हो चुकी है, आपकी हार्ट चक्रा ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो पहले की वीडियो में मैंने बताया था रूट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा ओपनिंग साइलेंट सिम्टम्स के बारे में। आई होप आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आप लोग देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट चक्रा है, ठीक है, चक्रा प्लेलिस्ट करके एक प्लेलिस्ट बनाया है मैंने, तो वहाँ पे जाके आप लोग देख लेना। ठीक है, और एक बात मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों को कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर अच्छे लगे मेरी वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएट मी, एंड चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो पहले मैं बताऊंगी सोलर प्लेक्सस चक्रा के बारे में। तो सोलर प्लेक्सस चक्रा हमारा थर्ड चक्रा होते हैं, ठीक है, बॉडी के 7 मेजर चक्रास में से 3 नंबर चक्रा होते हैं हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा। ठीक है, और ये चक्रा अगर आपकी ओपन हो चुकी है, आपने 1 या 2 महीने तक इनको हील किए हैं एकदम प्रॉपर तरीके से, जो मैंने एकदम प्रॉपर ईजी वे आप लोगों को बताया है, ठीक है, वो वाला वीडियो भी आप लोग देख लेना कैसे सोलर प्लेक्सस चक्रा को ओपन करते हैं, कैसे उनको हील करना ज़रूरी होता है। ठीक है, और ये अगर आपकी ओपन हो चुकी है तो आपको क्या साइन मिलेंगे। तो आपको पहले साइन मिलेंगे कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फील कर रहे हो। ठीक है, यू फील कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल। ओके, नेक्स्ट है आपको नौसिया फील होना, मतलब कि क्या कहते हैं उसे, हाँ, जी मचलना जो हम कहते हैं, ठीक है, जी मचलना, वोमिटिंग फील होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको फील हो सकता है फिज़िकली। ठीक है, आपको बॉडी में पल्पिटेशन होगी, ठीक है, शेकिंग होगी, बॉडी शेकिंग, अचानक से बॉडी कांप उठेगी, ठीक है, ऐसे आपको फील होगा। ठीक है, सेंसेशन फील होगा। नेक्स्ट आपको बहुत ज़्यादा मतलब नींद आएगी या फिर नींद कम भी आ सकती है। ठीक है, मतलब जब आप ये चक्रा ओपन कर रहे होंगे, ठीक है, जब आप हीलिंग प्रोसेस में होगी आपकी ये चक्रा, तो बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट होगी आपकी, मतलब नींद नहीं आएगी, अपनी जितनी भी ट्राई कर लो आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है, और जब ये चक्रा एकदम से ओपन हो जाता है, हील हो चुकी होती है, तब आपको अच्छे से नींद आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, भूख नहीं लगेगी आपको, ठीक है, आपकी लॉस योर एपेटाइट, ठीक है, आपको भूख नहीं लगेगी, लेकिन ये चक्रा ओपन होने के बाद अच्छे से जब ओपन हो जाते, हील हो चुकी होती है, तब नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, मतलब भूख लगती है, एकदम बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है, एकदम बहुत ज़्यादा अगर आपको भूख लगती है बार बार, तो इसका मतलब होता है कि आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में ब्लॉक्ड है। ठीक है, ब्लॉकेजेस है, उसको हील करना ज़रूरी होता है। अगर आप हीलिंग प्रोसेस में हैं तो वो आपकी भूख नहीं लगेगी। ठीक है, ऐसा आपको होगा। नेक्स्ट आपको सर घूमेगा, ठीक है, डिजीनेस फील होगा और लाइट हेडेड फील होगा। ठीक है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि कभी आपका सर बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, कभी आपका सर एकदम से हल्का हो गया है। ठीक है, ऐसे आपको फील होगा, आपको आपके सर घूमने लगेंगे। ठीक है, ऐसे आपको फील होगा। नेक्स्ट कि आप कभी कभी मतलब हाई एनर्जी फील करोगे, कभी कभी लो एनर्जी फील करोगे। ठीक है, कभी आपको ऐसा लगेगा कि आज मुझे मतलब बहुत वीकनेस फील हो रहा है। ठीक है, कभी आप लोगे आपको लगेगा कि आज मैं बहुत ज़्यादा उत्तेला हूँ। ठीक है, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्फूर्तीला आपको फील होगा, ऐसे आपको फील होगा। कभी कभी आपके मन ख़राब रहेगा, कभी कभी आपकी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होगी माइंड में। ठीक है, मतलब कभी आपकी हाई एनर्जी होगी, कभी लो एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये है सोलर प्लेक्सस चक्रा ओपन होने की साइलेंट सिम्टम्स। ठीक है, आप लोग मैच करके देखना, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप श्योर हो जाओ कि आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा हील हो चुकी है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि हार्ट चक्रा ओपनिंग साइलेंट सिम्टम्स कैसे होते हैं। ठीक है, अगर आपके हार्ट चक्रा ओपन हो चुकी है, हील हो चुकी है, तो आपको क्या साइलेंट सिम्टम्स मिलेंगे। ठीक है, पहली बात तो कि आप बहुत ज़्यादा इमोशंस को डीपली फील करोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से मतलब अपने इमोशंस को, लोगों की इमोशंस को आप फील कर पाओगे। ठीक है, आपके आसपास के लोगों की माइंड में क्या चल रहा है वो आप फील कर पाओगे। ठीक है, आप जो जो चाहते हो, ठीक है, वो आपको इजीली मिलने लगेंगे, मतलब आप बहुत ज़्यादा अच्छे मैनिफेस्टर बन जाते हो। ठीक है, मैनिफेस्टेशन पावर आ जाती है आप में। ठीक है, आप जो भी चाहते हो, जो भी आपको, जो भी आपकी डिज़ायर्स है, वो आपको मिलने लगेंगे।
बहुत ज़्यादा नंबरों की सिंक्रोनिसिटीज आपको देखने को मिलेंगी। एंजल्स नंबर्स, आपको रिपीटेड एंजल्स नंबर्स बार बार दिखाई देंगे, ठीक है। और क्या होगा कि आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो सडनली आपको मिलने लगेंगे, ठीक है। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि काश कोई मुझे मेरे DM की एक खबर दे दे, ठीक है, मेरे DM क्या कर रहे हैं, कहाँ पर है, किसके साथ है, काश वो मुझे याद कर रहे या नहीं। ऐसे आप सोचोगे कि नहीं, जस्ट सडनली आपके पास उनकी कोई उनकी मैसेज आ सकता है, ठीक है, ये बहुत रेयर है। या फिर आप दोनों की म्यूचुअल फ्रेंड आपको मिल जाए, ठीक है, वो आपको उनकी खबर दे सकता है, ठीक है। कुछ भी बात हो उनकी मतलब रिलेटेड, वो आपको मिल सकते हैं आपके DM के रिलेटेड, ठीक है। मतलब आप जो भी सोचोगे वो आपको सडनली मिलने लगेंगे, वो मैनिफेस्ट होते जाएंगे, ठीक है। आप और एक एग्जांपल देती हूँ कि आप बहुत दिनों से जॉब सर्च कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि काश कोई मुझे एक जॉब दे दे, ठीक है। अचानक से आपकी कोई ओल्ड फ्रेंड आपको मिल जाए, ठीक है, रास्ते में, या फिर आपको मैसेज कर दे, या फिर आपकी जो फ्रेंड्स ग्रुप होते हैं व्हाट्सएप पे, वहाँ पे आपको मैसेज कर दे कि मुझे एक मतलब, ठीक है, एक जॉब मिला है, एक मतलब एक इंसान की ज़रूरत है, ठीक है, एक मुझे एम्प्लॉय चाहिए और मुझे एक जॉब की तलाश है, ठीक है। तो ये हो सकता है आपके साथ, ठीक है, आपने जॉब के बारे में सोचा और आपको जॉब मिल गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकता है। नेक्स्ट, आप बहुत ज़्यादा मतलब जो हार्ट चक्र अगर ब्लॉक्ड होते हैं उनके, तो बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते हैं, ठीक है, लोगों के बारे में सोच रहे हैं ये कैसा है, मतलब हर चीज़ को लेकर जजमेंट करते हैं, ठीक है, जज करते हैं। तो आप क्या करते हो, अगर आपकी हार्ट चक्र ओपन हो जाती है तो आप नॉन जजमेंटल हो जाते हो, ठीक है, आप किसी को जज नहीं करते, ओके, आप एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करते हो, मतलब कि जो प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है, आप उसे एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, जो भी हो रहा है आप उसे एक्सेप्ट करते हो। नेक्स्ट, आपको बहुत ज़्यादा पीस एंड रिलैक्सेशन फील होगा, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मतलब शांति फील करोगे, आपको हर टाइम आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील होगा, ठीक है, आपको पीस फील होगा, ओके। रिलेशनशिप में सुधार होगा, आपकी जो भी पर्सनल रिलेशनशिप है आप उनमें इम्प्रूव देखने को मिलेंगे, ठीक है। फैमिली में किसी के साथ आपकी अच्छी नहीं बन रही थी, ठीक है, किसी के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप था, तो जो टॉक्सिक रिलेशनशिप था वो दूर होते जाएंगे, खुद ब खुद आपके लाइफ में से दूर होते जाएंगे वो, ठीक है। और या फिर हो सकता है कि कोई भी रिलेशनशिप आप कोई मतलब अच्छी नहीं चल रही थी, जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप हम कहते हैं, तो क्या होगा, वो अच्छे से चलने लगेंगे, ठीक है, उनमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। और आपके पार्टनर के साथ भी, ठीक है, लव लाइफ में भी, रोमांटिक लाइफ में भी आपकी क्या होगी, आपकी रिलेशनशिप सुधरने लगेंगे, ठीक है। और अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है, ठीक है, कोई मतलब अभी भी आप सिंगल हो, तो क्या होगा, अगर आपकी हार्ट चक्र ओपन हो जाती है तो आपको, आप मतलब एक ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करते हो अपने तरफ जो मतलब बहुत ज़्यादा लवेबल होगा, केयरिंग होगा, ठीक है, आप जैसा डिज़र्व करते हो, ठीक है, ऐसे पर्सन आप अट्रैक्ट करोगे। अपने हायर सेल्फ से आप कनेक्ट हो जाते हो, ठीक है, अगर आपके हार्ट चक्र ओपन हो चुकी है तो अपने हायर सेल्फ के साथ आप कनेक्ट हो जाते हो, ठीक है, आप सब कुछ जान पाते, आपकी इंट्यूशन पावर आ जाती है, ठीक है, लोगों को इजीली फॉरगिव कर पाते हो आप लोग, ठीक है, कंपेशन नेचर आ जाती है आप में, आसानी से आप वो सारी चीज़ें भूल जाते हो, ठीक है, जो पास्ट में किसी ने आपके साथ बुरा बिहेव किया है उनको आप माफ़ कर देते हो, भूल जाते हो, फॉरगिव कर देते हो, ठीक है। और आपके अंदर एक कंपेशन आ जाता है, ठीक है, आप लोगों को करुणा करते हो, ठीक है, आप मतलब सहानुभूति जिसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती है आपकी, ठीक है, आपके अंदर मतलब इम्पैथ, ठीक है, आ जाती है। नेक्स्ट, आप मतलब खुद को अप्रिशिएट करते हो, ठीक है, खुद को अप्रिशिएट करते हो, खुद की ब्यूटी को लेकर, खुद की काम को लेकर, क्रिएटिविटी को लेकर, बिहेवियर को लेकर, हर चीज़ को लेकर आप खुद को अप्रिशिएट करते हो, खुद को प्यार करते हो, खुद की केयर करते हो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप में आ जाती है। हर चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल होते हो, ठीक है, और आप में बहुत ज़्यादा जेनरोसिटी आ जाती है, लोगों को आप केयर करोगे, ठीक है, लव करोगे, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग नेचर आप में आ जाएगी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे। आपके आसपास जो भी बड़े इंसान हैं, ठीक है, बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमें मम्मी पापा होते हैं, घर में होते हैं, या फिर गॉड यूनिवर्स से, सभी से आप लोग, बाहर के लोगों से भी आप ब्लेसिंग्स रिसीव करते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा
जनरल सिटी आप में आ जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जनरल हो जाते हो, तो सबकी हेल्प करते हो, सबकी केयर करते हो, तो सभी आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं, ठीक है। आप लोगों को अपनी पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव एनर्जी को शेयर करते हो, ठीक है। आप मतलब एक हीलिंग वर्क करते हो, ठीक है, आप एक लाइट वर्कर बन जाते हो, लोगों का हेल्प करना, उनको सही पथ दिखाना, ठीक है, ये आप करते हो, ओके। और बहुत ज़्यादा और आपके, हाँ, और एक बात मैं बताना भूल गई हूँ, पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि जो भी चक्र आपकी ओपन होने लगेगी, ठीक है, हील हो चुकी है या फिर ओपन हो गई है, तो आपको पहले सिम्टम्स ये मिलेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा उस प्लेस पर जहाँ पर जैसे हार्ट चक्र, ठीक है, हमारे चेस्ट में होते हैं, ठीक है, चेस्ट के बीचों बीच होते हैं, तो आपकी उस जगह पर बहुत ज़्यादा स्पिन करेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा घूमने लगेगी वो स्पीड से, आप हाथ से टच करके देख सकते हो, तो बहुत ज़्यादा स्पिन करेगी। तो अगर ऐसे स्पिन करते तो आप लोग समझ लो कि हाँ, मेरे हार्ट चक्र ओपन हो चुकी है, एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव है, वो घूम रहे हैं, ठीक है, एनी टाइम वो घूमते रहेंगे ऐसे, ओके। और आपके पार्टनर के साथ, ठीक है, आपकी डीएम के साथ, या फिर, ठीक है, आप टेन फ्लेम जाने में नहीं भी हो तो भी आपके पार्टनर अगर है, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है, उनके साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सुधार होगी और उनके साथ आप एक हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड फील करोगे, ठीक है। वह उनकी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप भी वो फील कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपके हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो चुके हैं। और अगर आपके हार्ट चक्रा ओपन हो चुके हैं, हील हो चुके हैं, तो आपके डीएम की भी हार्ट चक्रा ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे हार्ट चक्रा के बारे में। हार्ट चक्रा अगर ओपन हो चुकी है आपकी, तो आपको क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे, और थ्रोट चक्रा के बारे में, और ये थ्रोट चक्रा के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को। आज मैंने बताया हार्ट चक्र ओपनिंग साइन एंड सोलर प्लेक्सस चक्र ओपनिंग साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग मुझे शेयर करना कमेंट में ज़रूर कि आप लोगों की ये दोनों चक्र ओपन हो चुकी है या नहीं, ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स मैच करके देखना, ठीक है, मुझे बताना ज़रूर, ओके। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड बेल बटन पर ज़रूर प्रेस करना, ठीक है, एंड लव यू ऑल, गुड लक।